प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना। ईश्वर से प्रार्थना मेरी है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सने प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। दोस्तों, इसी तरीके से मेरे कार्यक्रम को अगर आप लोग देखते रहिएगा तो खुद कुंडली देखने की ज्ञाता हो जाएगा। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल ग्रह कुंडली के किन किन भावों में भाग्यशाली बनाता है, जैसा आपको मालूम है मंगल एक प्रशासनिक ग्रह, मंगल एक राजनीतिक ग्रह है, मंगल एक गुरु ग्रह। मंगल किस किस भाव में भाग्यशाली आपको बनाता है? कुल जिसकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, चरित्रवान होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। जिनकी कुंडली में पांचवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा, न्यायाधीश बनते हैं और अपने विद्या, अपने गुण, अपने कला के द्वारा अपनी पहचान बनाते हैं। जिसकी कुंडली में छठवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शत्रुविहीन होते हैं, चरित्रवान होते हैं। ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी केस मुकदमा नहीं दौड़ते हैं और समाज में पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं, हीरो से हीरो बनते हैं। ऐसे लोग पूर्ण भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग के पास जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है, स्वयं का बनाया हुआ होता है, ऐसे लोग न्यायाधीश, ऐसे लोग राजनीतिक भी बनते हैं, उद्योगपति भी बनते हैं और व्यापारी बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में मंगल बैठा हुआ, क्या बात है, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, राजनीति में सफलता पाते हैं, कई उद्योग के मालिक होते हैं। ऐसे लोग जमीन, कपड़ा, गल्ला संबंधी, मकान संबंधी व्यापार से करोड़ों रुपया पाते हैं। ऐसे लोग के पास जो भी धन दौलत घर द्वार इज्जत प्रतिष्ठा वाहन सुख वह स्वयं का बनाया हुआ होता है। ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन भी पूर्ण लाभदायक होता है, स्वस्थ होता है। जिसके कुंडली में ग्राम्य भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा धन पाते हैं, समाज में अच्छा व्यवहार बनाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा इनको अच्छी मिलती है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग दयालु होते हैं, उदार होते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, ऐसे लोग गरीबों की सहायता करते हैं, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, धन के प्रति रुझान होती है, पूजे जाते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, संपर्क कर सकते। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता मुझसे तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करिए, मैं सब विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।